बाबा के ढाबा पे आ गया हूँ भरतपुर। भरतपुर जो है एक ऐसी नगरी है जिसको कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो पक्षियाँ देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन भरतपुर का नाम जो है वो महाराजा भरत पे पड़ा और यहाँ के कुल देवता है जो वो लक्ष्मण है। तो ये पूरा जो रामायण का परिवार है उससे जुड़ा हुआ ये भरतपुर है। जाटों की पहली राजधानी थी महाराजा सूरजमल, जिनका जो क्षेत्र था आपको मैं बताऊँ, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मेरठ, बागपत। तो ये पहली ऐसी रियासत थी जो जाट राजाओं ने और महाराजा सूरजमल ने इसकी स्थापना की थी। आज आया हूँ यहाँ पर सुबह के नाश्ते में, देखते हैं कि लोग जो है यहाँ पे कचौड़ियाँ खाने आते हैं। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार नाम है मेरा। तो आप ये अपनी दुकान के बारे में बताइए, मुझे बताया गया कि बहुत फेमस दुकान है, कब से है ये? ये हो गए 92 ईयर हो गए फर्म को चलते। ये दादा देवी नाम के टाइम से चलती आ रही है और ये उस ज़माने की कचौड़ियाँ हैं जब से एक आने की कचौड़ियाँ मिलती थी यहाँ पर। आज प्रेजेंट में 10 रुपये की 4 कचौड़ियाँ हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग खाते हैं अच्छी मात्रा में यहाँ पर। और सब इसका मतलब 100 साल हो गए ना करीब करीब, आपने कहा 92 ईयर्स, बिन में साल करीब हो गए इनको फर्म को, देश आयात से पहले की दुकान है। इसमें ये सब्जी बनती है आलू बेसन की है और इसमें चटनी है खटाई की, बस अमचूर डलता है उसमें, नमक है उसमें, मिर्ची है उसमें और सब्जी बनती है आलू बेसन की बनती है। मैं देख रहा हूँ पीछे महिलाएं काम कर रही है, तो आपने जानबूझ के महिलाओं को यहाँ पे रखा काम करने के लिए? स्टाफ जेंट्स का भी है और लेडीज़ का भी, दोनों स्टाफ है हमारे पास। तो जिससे क्या ये हमको सुविधा मिलती है, हाथ से बेलने की बजाय बेलन से बेलती है जी। है तो अच्छा है ना, महिलाएं काम करती है तो उनके लिए भी कारोबार मिला हुआ है, रोजगार भी चल रहा है इनका और ये अपने पालन पोषण भी करती हैं परिवार का। तो मुझे भी खिलाइए आप अपनी कचौड़ी। बस तो ये कचौड़ी है, हालांकि इसमें दो है लेकिन 4 मिलती है 10 रुपये की। तो आपको इससे सस्ता जो है ब्रेकफास्ट और इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा जी। बताइए यहाँ ये यहाँ की खासियत कचौड़ी के बारे में। सर ये अच्छी कचौड़ी है, कढ़ी के साथ में मिलती है। आप भी आइए, बताइए। हाँ, काफ़ी समय से इनकी दुकान लगी हुई है, पापा काम करते थे इनके, अब ये अलग अलग अपने भाइयों काम करते हैं। और इसे कितनी भी खा लो कोई पेट में गड़बड़ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती। कब से आ रहे हैं आप? हमें बिल्कुल सही है। आप कब से खाने आ रहे हैं? मैं तो 40 साल हो गए, 40 साल जब से वहाँ दुकान थी कुआ पे, इनके फादर लगाते थे, 60 साल 70 साल हो गए इनको। 92 ईयर। मुझे ये बताइए चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे, क्या है भरतपुर का मिजाज? सर यहाँ काफ़ी दोनों कैंडिडेटों के काफ़ी मजबूत स्थिति में है और ये संजना जाटव है वो एक युवा प्रत्याशी है, उसकी तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का। ये रिजर्व सीट है? रिजर्व सीट है सर ये। आइए, कचौड़ी कहाँ है, क्या चाहेंगे भरतपुर में, क्या क्या होना चाहिए और किस चीज़ की आपको लगती है कि सुधार होने की ज़रूरत है? सुधार ही सुधार की ज़रूरत है भरतपुर में। तो अभी भरतपुर जैसे लगना चाहिए NCR में, सबसे बड़ी बात तो ये संभाग भी है, तो संभाग में अभी जैसे डीग जिला भी बना है और गंगापुर भी बना है, तो कईयों जिले भी बने, तो जिले के हिसाब से भाई संभाग के हिसाब से इसमें डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ। अब जैसे अभी भाजपा सरकार ने, भजन लाल सरकार ने फ्लाई ओवर की बोला, शहर में कईयों फ्लाई ओवर बनेंगे तो शायद उससे कहीं ना कहीं सुधार। मंत्री हैं तो आपको उम्मीद होगी कि? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री हैं तो 100% हाँ उम्मीद की आवश्यक, मतलब लग रहा है कि उम्मीद है आपकी बार। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, दो कैंडिडेट हैं यहाँ पे? दोनों कैंडिडेट में इस बार टक्कर बराबर दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस भी मजबूत देखी जा सकती है इस बार। नई लड़की आई है 25 साल। हाँ, 25 साल की उम्र होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी है। और दूसरी बात यह है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो यहाँ के राज परिवार से जुड़े हुए हैं, राज परिवार से ही हैं, और उनका जो समर्थन है वो सबसे बड़ी उनकी ताकत है। अरे पहले आप खाना जरूरी होता है, तो आपका व्रत है तो फिर भी बता दीजिए कचौड़ी क्यों खानी चाहिए? कचौड़ी मैं बताता हूँ, ये यहाँ की एक स्पेशल चीज़ है। इनके दादाजी ने यहाँ शुरुआत की थी कचौड़ी की, ये शुरू में आए थे, हम छोटे छोटे थे जब इनकी कचौड़ियाँ 10 पैसे की और 5 पैसे की मिलती थी। अच्छा। हाँ, वहाँ कुएं पे इनकी दुकान लगती थी, हम पढ़ने जाते थे जब देखते थे, पर कचौड़ियाँ का स्वाद ही कुछ अलग है, आदमी बहुत दूर दूर से आता है इनकी कचौड़ियों के लिए, ये बहुत प्रसिद्ध कचौड़ी है। मुझे ये बताइए चुनाव हो रहा है, क्या चाहेंगे भरतपुर में, क्या सुविधाएँ चाहिए आपको? हम तो सबसे यही उम्मीद करते हैं कि भरतपुर में रोजगार लगे, आज जो आम यहाँ की पब्लिक है बेरोजगार डोल रही है,
आज यहाँ जो मारामारी हो रही है सिर्फ किसी वजह से, रोजगार की वजह से। यहाँ जितनी इंडस्ट्रियाँ सब बंद हो चुकी हैं, व्यापार ठप हो चुके हैं, और यहाँ के तीन तीन मिनिस्टर होते हुए भी भरतपुर का कुछ विकास नहीं हुआ, क्योंकि सबको अपनी अपनी वोटों की। उसके बाद तो चीफ मिनिस्टर है आपका, अरे चीफ मिनिस्टर हो चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं, जब हम तो जब जानेंगे कि जब हमारे यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा साधन उपलब्ध है। आज जिस टाइम सिमको थी उस टाइम हम भरतपुर में, हमारा मतलब हम लोगों के लिए फुर्सत नहीं मिलती थी जहाँ इंडस्ट्रियाँ चालू थी, और आज हम इस तरह व्यापार सुबह के आके बैठते शाम तक यूँ हाथ धर के बैठे रहते हैं, ये देखते कस्टमर आएगा हमसे सामान लेके जाएगा। आपका आपका हम लोग व्यापारी हैं, हम दुकान है हमारी मेरी बराबर में, हमसे ये है कि चाहे कोई भी पार्टी आए, हमें ये नहीं कि बीजेपी आए कांग्रेस आए, सब आए, जो हमें तो विकास चाहिए अपने भरतपुर का, जो कि यहाँ की जो रोजगार है, जो यहाँ रोजगार की समस्या वो खत्म होनी चाहिए, जिससे कि अपना भरतपुर आगे अग्रसर हो सके। सही बात है। और ये टूरिस्ट भी आए, टूरिस्ट भाई जब भरतपुर में कुछ होगा तो जभी तो टूरिस्ट बाहर से आएंगे और आमदनी होगी। जी सर, पहले खाना पड़ता है लीजिए ना, पहले फिर बात करें। क्या खाते थे कचौड़ी? हाँ जी, कचौड़ी की खासियत है, कचौड़ी खास ये है कि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है थोड़ा सा, और अनुमान जो कचौड़ियाँ हैं उनको खाने के बाद क्या है, आदमी को भूख नहीं लगती। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। 10 रुपया में चार तो कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। अच्छा आप ये बताइए, चुनाव का वक्त है, लोग बोलते हैं मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे हैं, क्या होगा, लोग वोट करने जाएंगे क्या सोचेगा, क्या मंदिर मुद्दा है या लोगों की समस्याएं मुद्दा है, किस पे होना चाहिए वोट? देखो हमारे भरतपुर क्षेत्र में तो मोदी जी ने और शाह ने उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है हमको कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया, और जब हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया तो विकास तो निश्चित होंगे। उस मुख्यमंत्री से क्या मांग है आपकी? हमारी उनसे मांग तो वो खुद भरतपुर के हैं, वो सब जानते हैं, आप बताएंगे तब तो पहुँचेगा उन तक। नहर की सफाई वगैरह, थोड़ा टूरिज्म को बढ़ावा मिले, उन्होंने अभी पुल पास कराए, दो पुल बनी रहे, तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। लोगों का कहना है कि एनसीआर बढ़ने से ना इंडस्ट्री नहीं आ पाती। हाँ थोड़ा सा उससे फर्क पड़ता है, पर देखो वो इस समस्या को उठाएंगे, अभी मुख्यमंत्री बने फिर चुनाव आ गया, उन पर पूरे राजस्थान का भार है, और मैं चाहता हूँ कि उनको जो है अपने जो एनसीआर की समस्या है, अभी उन्होंने पानी की समस्या हल कराई है, जो हमारा पानी नहीं आता था वो पानी शुरू हो गया जी। और वो यहाँ मैं समझता हूँ अनुमान हर एक आदमी से परिचित है, और वहाँ की समस्याओं से परिचित है, तो ज्यादा कुछ कहने की हमें जरूरत है नहीं जी। रोजगार के धंधे जरूर खुलवाएं। मुख्यमंत्री को अपील कीजिए, आपको क्या अपील है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री से यही अपील है कि यहाँ भरतपुर के अंदर आज तक फैक्ट्री जो बंद हो गई है उनको दोबारा चालू करवाएं, दो चार फैक्ट्री एक्स्ट्रा लेके आए, जिससे बेरोजगारी खत्म हुए और धंधा बढ़े। जो आज फालतू पब्लिक डोल लिए वो बहुत परेशान है। एक डालना, एक आप लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे खाने? बॉम्बे से आए खाने, बॉम्बे से आए हैं खाने। और आपने कभी सोचा था कि मैं तो दिल्ली से आया हूँ, बॉम्बे का आदमी 10 रुपये में चार कचौड़ी कभी सोचा था आप मिलेगी? दाम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा यार 10 रुपये में, कितना बढ़ेगा यार, चार कचौड़ी तो मिल रही है। बॉम्बे में एक मिलती शायद 20 या 30 की मिलती, सिर्फ एक, तो आपकी एक प्लेट होगी कम से कम 100 रुपये की। सोचिए। और टेस्ट कैसा है? एकदम जबरदस्त, एकदम अच्छा है। पैक कराने आए थे? हाँ जी, पैक कराने। घर में लोग इंतजार कर रहे हैं? घर पर इंतजार कर रहे हैं, सब लोग रात को मथुरा से आए, तो अभी बस बोल रहे थे कि सुबह देवी राम जी की कचौड़ी खानी है, तो उन सबके लिए अभी फेमस है ना? काफी फेमस है। आप ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं जी? आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं जी, और आप चुनाव भी, आप चीफ मिनिस्टर से क्या अपील करना चाहेंगे कि भाई ये काम तो ये कर दीजिए? देखिए अभी जो भरतपुर का हालिया जो है वो अभी भरतपुर में अभी कोई रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पहले बहुत सारी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, सिमको, डालमिया डेयरी, और क्या नाम है, मैदा फैक्ट्री भी थी, ठीक है, तो उससे काफ़ी रोजगार था। आज की डेट में भरतपुर में रोजगार नहीं है एक्चुअली, लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा बाकी के सब जगह पे चल ही रहा है, रोजगार की भी थोड़ी सी व्यवस्था हो, क्योंकि लोगों को अपना घर छोड़ के जाना, बच्चों को यहाँ पे ऐसे करना छोड़ के जाना तो बड़ा होता है, ठीक है, उस चीज़ को वो भी भलीभांति समझते हैं, वो भी ग्रामीण परिवेश से ही हैं मुख्यमंत्री जी, तो वो भी अच्छी तरीके से समझते हैं। आपकी बात सुने, थैंक यू। चुनाव होने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर भी आपके यहीं से हैं, क्या अपील करेंगे चीफ मिनिस्टर से कि ये काम तो ये होना चाहिए?
बात अगर डेवलपमेंट की जाए तो भरतपुर में मेन है नालियों का और सड़क का विकास होना जरूरी है, होना जरूरी है, क्योंकि एक यही मेन एक चीज़ है जो यहाँ पर डेवलपमेंट में नहीं आ रही है। इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, कुछ ऐसा इंडस्ट्रीज इसलिए होनी चाहिए ताकि कहते हैं एक तो मेन चीज़ है कि वाटर सप्लाई नहीं है इधर, वाटर सप्लाई होती है तो इंडस्ट्रीज का भी आना चांसेस हो सकते हैं, तो इंडस्ट्रीज आएंगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगा इस एरिया में। ज़्यादातर मोस्टली देखा जाए तो भरतपुर जनसंख्या भी काफ़ी है, सेकंड नंबर पे एग्जिस्ट करती है राजस्थान में, तो इसलिए कहते हैं वो भी मेनली होना चाहिए। तो आपने देखा कि भरतपुर में ये फेमस कचौड़ी जलेबी सुबह का नाश्ता है, 10 रुपये में 4 मिलती है, आइए खूब खाइए, मज़ेदार है। और कुछ मैंने लोगों से बात करके यहाँ पे इस कचौड़ी जलेबी का जायका तो आपको बताया ही, साथ में राजनीतिक जायका भी बताया, क्योंकि भरतपुर जो है ना यहाँ से चीफ मिनिस्टर आते हैं राजस्थान के, भजन लाल शर्मा, तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे भी, तो बहुत सारी जनता ने उनसे भी अपील की है कि भरतपुर में क्या क्या होना चाहिए। तो आज बाबा के ढाबा में इतना ही, कल एक नया शहर होगा, नया जायका होगा, कुछ और राजनीति की बातें हम करेंगे, तो इस तरह से हमारा सफ़र जो है वो चलता रहेगा। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक भारे के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।